उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत के जिला अधिकारी पुलकित खरे ने सुबह कड़कती ठंड के कारण शहर के प्रमुख स्थलों का निरीक्षण किया और अलाव व्यवस्था का जायजा लिया। जिला अधिकारी जनपद वासियों का पूरी तरह ध्यान रखते हैं, इतना ही नहीं उसी दौरान डीएम ने रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, जिला अस्पताल, नक्टादाना, गौनैया, छतरी, रोटी चौराहों पर पहुंचकर अलाव व्यवस्था देखी। आपको बताते चलें, भ्रमण के दौरान जरूरतमंद लोगों को गर्म वस्त्र व कंबल दिए और उनसे बातचीत कर रैन बसेरा में ठहरने के लिए पहुंचाया। इससे संबंधित अधिकारियों को नियमित अलाव व्यवस्था सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा, यदि कोई खुले में पाया जाए तो उसे रैन बसेरा में पहुँचाया जाए। इसी के साथ नाइट कर्फ्यू का भी जायजा लिया। जिला अस्पताल में भी स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली। पीलीभीत से ईश्वरी प्रसाद की खास रिपोर्ट। सर, जानना चाहेंगे आज ठंड के मौसम में जो है आप निकले हैं और किस तरीके का मुआयना करने निकले हैं? भीषण ठंड का समय चल रहा है और ऐसे में समस्त अधिकारियों के साथ आज शहर का पूरा भ्रमण करा गया, खासकर रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और अन्य ऐसी जगहों पे ये देखा गया कि कहीं कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति तो नहीं है जो ठंड में है, मुश्किल में हो। कुछ लोग हमें ऐसे मिले, उनको रैन बसेरे तक ले जाने का भी प्रयास करा गया और जो लोग नहीं जाने पे अड़े हुए थे उनको गर्म कपड़े और कंबल भी उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही साथ जो शहर में अलाव जल रहे हैं उनकी भी चेकिंग करी गई। जो लोग अनावश्यक घूम रहे थे, क्योंकि नाइट कर्फ्यू भी शुरू हो जाता है, उनको भी समझाया गया है। प्रयास यही करा जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को ठंड के समय कोई परेशानी ना हो, उनको रैन बसेरे तक पहुंचाया जाए, गर्म कपड़े उपलब्ध कराए जाए। हाल में ही हम लोगों ने एक अभियान भी चलाया था जिसमें शहरवासियों ने बढ़ चढ़ के गर्म कपड़े डोनेट करे थे, तो ज़रूरतमंदों तक उन कपड़ों को पहुंचाने का पूरा प्रयास करा जा रहा है।